ओके गाइस, सो इस फोटो को एडिट करने के लिए गाइस आप लोगों को क्या करना है गाइस, देखिए मैंने आपको यहाँ पे दो बैकग्राउंड दिए हैं, ठीक है, एक ये वाला एंड एक ये वाला। आप इन दोनों में से कोई सा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो एनएसपी भाई के साथ या विजय मेहर के साथ आप क्लिक कर एडिट कर सकते हो अपनी फोटो को, ठीक है, सेम प्रोसेस है दोनों का। बाकी आपको क्या करना है, ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। तो यहाँ पे गाइस मैं विजय मेहर के साथ एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो एनएसपी पिक्चर के साथ भी कर सकते हो, जो आपका फेवरेट एडिटर हो उनके साथ आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप सभी को करना क्या है, आप लोगों को जो है यहाँ पे अपने मॉडल को कुछ इस तरीके से रखना है एंड यहाँ पे आप सभी को सिंपली चले जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको साइज़ को अपने इंक्रीज़ कर देना है एंड ऐसे ओपेसिटी हार्डनेस को जो है कम कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को अपनी फोटो को जूम करना है एंड साइड साइड से जो है इरेज करना है, ठीक है, हल्का हल्का। वो क्यों गाइस, वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। यहाँ पे जब हम पीएनजी वगैरह लगाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा वैसे भी। तो अभी हम इसको यहाँ पे अच्छे से इतना इतना कर लेते हैं एंड गाइस ध्यान रहे कि ओपेसिटी हार्डनेस जो है ना आधा आधा रहे, ज़्यादा भी मतलब ना रहे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है आपको ऐड फोटो में। पहले हम यहाँ पे शेडो बना लेते हैं, देन बताता हूँ आपको पीएनजी कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम शेडो को ऐड कर लेते हैं एंड इसको ऐड कर देने के बाद जो है हम यहाँ पे क्या है इस टाइप से रखेंगे एंड इसको मूव डाउन कर देंगे। फिर इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेकर साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे एंड फोटो को जूम करेंगे एंड फोटो को जूम करने के बाद कुछ इस टाइप से शेडो बनाएंगे। एंड गाइस शेडो जो है ना अलग अलग तरीके से बनती है हर जगह पे, तो मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो अगर आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वीडियो को देख लेना। तो बाकी हमारे यहाँ पे शेडो बन चुकी है। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड यहाँ से ऐड करेंगे वाटर स्प्लैश के पीएनजी एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसका पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है एंड ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद स्क्रीन कर देना है एंड साइज हमें इस तरीके से ऐसे रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश के लेने के बाद साइज़ को इंक्रीज करना है एंड ऐसे आप सभी को जो है पेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, यहाँ से आपको एक इसका डुप्लीकेट करके जो है आपको ऊपर की साइड में इस तरीके से रख देना है, ठीक है। इसलिए गाइस क्योंकि इससे क्या है कि ऐसा लगेगा कि जो पीछे से जो वाटर स्प्लैश हो रहा है ना वो आपके ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको जब कलर करेक्शन करेंगे तो एकदम सेम मैच हो जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम फिलहाल के लिए इसको कर लेते हैं डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइटरूम ऐप में, क्योंकि रीटच करके जो है हमें इसे और भी ज़्यादा अमेजिंग बनानी है। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। सो यहाँ से हम सीधा चलते हैं हम लाइटरूम ऐप में। सो यहाँ पे जो है हमने लाइटरूम ऐप में फोटो को पहले से ऐड कर रखा है। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में, हम इसका पहले से जो कॉन्ट्रास्ट है इसका इंक्रीज कर देंगे एंड जो हाईलाइट है इसको कम कर देंगे एंड इसके बाद जो शेडो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद हम ब्लैक से जो इसको इंक्रीज कर देंगे। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड जो इसका टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे ताकि ब्लू टोन जो है हल्की सी फोटो में आ जाए, ब्लू वाले पार्ट में। फिर मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर लेंगे, इसका जो हम ल्यूमिनस है हल्का सा इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम यहाँ से डार्क ब्लू में एंड उसके बाद इसका ह्यू जो है हम थोड़ा माइनस कर देंगे एंड कर देंगे डन। फिर जाएंगे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद यहाँ से हम इसकी क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर देंगे, फोटो में विग्नेट डाल देंगे फोटो के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसके बाद हम नीचे करेंगे थोड़ा स्क्रॉल और उसका फीडर को इंक्रीज़ कर देंगे। फिर जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड जो नॉइज़ रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कलर नोटिफिकेशन को बढ़ा देंगे एंड फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।